बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज अप्रैल की 14 तारीख साल 2021 ईस्वी सन 1442 हिजरी रमजानुल मुबारक की पहली तारीख दिन जो है वो वेनेसडे यानी बुधवार है। आप देख रहे अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान माजिद सलाम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, पेश करते हैं मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज शाया होने वाले बेशतर अखबारों की अहम सुर्खियों पर। आलमगीर वबा कोविड-19 की दूसरी लहर तशवीशनाक उछाल के साथ जारी, रिकॉर्ड 1270 नए केसेस, 3 लुक में अजल, मुतासरीन में सफर से लौटने वाले 470 अफराद भी शामिल। जम्मू कश्मीर में फाल मामलात की तादाद 8680 तक जा पहुंची। गैर कोरोना मरीजों के लिए सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद, जरायु को अमल भी मुअत्तल, सैकड़ों मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़, डॉक्टर एसोसिएशन ने किया तशीश का इजहार। जम्मू व कश्मीर में कोरोना इन्फेक्शन की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल 4 गुना ज्यादा, रहनुमा खतूतों पर सख्ती से अमल दरामद लाजमी, अतुल डोलो। लोगों की आसानी के लिए तमाम ऑनलाइन खिदमात दस्तियाब रखे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अफसरान को हिदायत, ई गवर्नेंस निजाम को मुस्तकम बनाने पर जोर, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान को कौमी शाहरा की मुनासिब देख रेख को यकीनी बनाने की तलकीन। बाणीपुरा गुरेज रोड पर एक रोज बाद ट्रैफिक बहाल, जरूरत मरम्मत की पेश नजर शाहरा आज बंद रहेगा। वजीर अजम की आज वजीर अला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऑनलाइन मीटिंग, कोरोना वायरस की सूरत हाल की जानकारी के लिए अलावा आइंदा हुकूमत अमल के बारे में भी तजवीज तलब की जाएगी। गांधरबल के कंगन ब्रगबन में लोगों के घरों में पानी दाखिल, पावर प्रोजेक्ट कनाल में शिगाफ होने का नतीजा, लोगों में तशीश की लहर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत बरकरार, 12 दिनों में 36 अववाद, 7960 मुतासिर, वादी में 5299 और सूबे जम्मू में 2661 केसेस दर्ज, फाल मामला 2870 से बढ़कर 7908 तक जा पहुंची। हंदवाड़ा में अलबदर नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा, 2 जंगजू और 3 जंगजू अनायत का रसल समेत गिरफ्तार पुलिस। वादी में फूलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए, सरकारी निर्ख नामों की हवा निकल गई, चेकिंग सुकार भी गायब। सितंबर 2022 तक तमाम देही घरानों को पीने का पानी फरहम होगा, 2021-2022 तक दौरान 4.9 लाख कनेक्शन की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वादी के ट्रैफिक निजाम में सुधार लाने की जरूरत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे लीगल स्टैंड्स में वर्कशॉप। गांधरबल के लार इलाके में आग की होलनाक वारदात, 1000 रुपया मालियत का साजो सामान राख की देर में तब्दील। वादी में 14 से 19 अप्रैल तक मौसम नासाजगार रहेगा, 15 से 17 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। इसी के साथ ही आज की सुर्खियां यही पर इख्तिताम होती है। डीजी अपने मेजबान माजिद सलाम, ऑनलाइन एडिटर फहीम अहमद और अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की पूरी टीम को इजाजत, इस वादे के साथ कि कल मिलेंगे दोबारा आपके साथ अल्लाह ने के बाद।